भाई मैं नहीं करता।
अपनी घर में अपनी फैमिली हेलो हेलो हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर आपने कहा सर क्या चीज? से, जो मैंने आपसे बोला था कि ऐसे JMI के लिए 10th स्टैंडर्ड ये सब बोला आपने। नहीं, वो तो आप लोग करोगे ना, आप पता कर लेना, मैं भूल गया था। ओके हेलो, हाँ हेलो, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। हाँ सलाम। कितने लोग हो गए? दो ही लोग? दो ही लोग हैं क्या? सर, मैथ वगैरह में भी दो ही लोग ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ सर, कल दो ही थे। मोटी ना मोटी। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? ठीक यस सर। है, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हैं फोर्स, लॉ एंड मोशन, राइट? यस सर, यस सर। क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा है कि फोर्स, लॉ एंड मोशन क्या होता है। मोशन आप लोग को पता है, मोशन क्या होता है? कोई भी चीज वन पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाती है, वो मूव कर रही है, ठीक है? और जब मूव कर रही है तो वो वहां पे क्या होगा? मूवमेंट होगा। जहाँ मूवमेंट होगा वहां मोशन होगा, ठीक है? क्लियर है? पिछले यस चैप्टर्स में हम लोगों ने इसे कंप्लीट किया था कि मोशन होता क्या है। मुझे नहीं लगता है इसमें बताने की जरूरत है। फोर्स क्या होता है? फोर्स दो तरीके का होता है। फोर्स एक होता है पुश, एक होता है पुल। यस कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम उसको पुश करते हैं, यानी कि ढकेलते हैं, अपने दूर करते हैं अपने से, उसे कहते हैं पुश, और अपने पास करेंगे तो पुल करेंगे, ठीक है? कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके का, दो ही तरीके से पुल और पुश करके उस पर फोर्स लगाया जा सकता है, ठीक यस सर। है? ये पढ़िए, फ्रॉम आवर बॉडी टू डी डे एक्सपीरियंस वी ऑल फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। फोर्स से हम सभी लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर ओपनिंग द डोर, लिफ्टिंग द बकेट ऑफ ए बैग, ठीक है? काइनेटिक ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल खेलते हैं उसमें भी यहाँ से यहाँ तक चला जाता है कोई चीज, तो वो फोर्स लगा के हम इसते हैं फुटबॉल को, ठीक है? तो ये सारी चीजें, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मूव ऑन इट्स ऑन, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने आप से मूव करता है, ठीक है? लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए हमको फोर्स लगा के मूव करना पड़ता है, ठीक है? द डायरेक्शन इन विच ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में उसको ढकेला जा रहा है या पुश किया जाता है या पुल किया जा रहा है, उसी को क्या कहेंगे? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, राइट? फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर कहते हैं, ठीक है? जिसमें फोर्स में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहता है उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं, ठीक है? ठीक है, यस सर। इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़िए, तो ये चार पॉइंट लिखा हुआ है आप लोग को। पढ़ लिया? यस सर। क्या इसमें कुछ है जो पूछने लायक है? सिर्फ तुम ही हो नो क्या, सर। और कहाँ से? ठीक,
और आसिफ और सब कहाँ चले गए? पता नहीं सर। एक मिनट, दो तीन मिनट वेट कर लेते हैं ज्वाइन करने का, अदरवाइज फिर से मुझे पढ़ाना पड़ेगा, मुझे फिर से सर पढ़ाइए, ठीक है? जब आ जाएंगे तो वे सिर्फ दो या तीन मिनट, हद से उससे ज्यादा फिर नहीं। हेलो, यस सर। कौन कौन है यहाँ पे अभी? बोलो भाई, कौन कौन है यहाँ पे अभी? सर मैं मोहम्मद नासिर और दूसरे फारूक हूँ। कोई वो बोल ठीक है, चलो फोर्स हम लोग पढ़ते हैं। मोशंस हम लोगों ने पढ़ी लिया था, फोर्स के बारे में पढ़ी लिया। फोर्स दो तरीके का होते हैं, या तो पुश कर रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट, या तो फिर पुल कर रहा है, राइट? ठीक है, शुरू से पढ़ते हैं। पुश या पुल करेगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगा। हम डेली टू डेली लाइफ में हम देख ही रहे हैं चीजों को, लिफ्ट जैसे कि ओपनिंग द डोर, दरवाजे जब खोलते हैं तो भी हम पुश करके खोलते हैं, राइट? और जब बंद करते हैं तो पुल करके बंद करते हैं, ठीक है? या लिफ्टिंग ऑफ ए बकेट ऑफ ए बैग, मतलब बाल्टी अगर हम उठा रहे हैं तो ऊपर क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं अपने तरफ, ठीक है? तो ये डेली टू डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं। और नॉन लिविंग जो थिंग्स होते हैं वो अपने आप मूव करते हैं, ये चीज ऑब्जेक्ट मूव ऑन इट्स ऑन, ठीक है? और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी कि अगर हम उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है? Yes, अगर पुल कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में लगेगा, got it? और फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होता है? क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दी गई होती है, ठीक है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इस वजह से उसे कह सकते हैं वेक्टर, ठीक है? इफेक्ट ऑफ फोर्स यहाँ पे दिया गया था, फोर्स का इफेक्ट कैसे करता है, क्या क्या लिखा है? फोर्स कैन बी डिस्टॉर्ड एन ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स लगाने से हमें चेंज हो जाता है, उसके शेप और साइज में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है? ए फोर्स कैन स्टार्ट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सपोज करो फुटबॉल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ कोई बंदा स्टॉप उसको करता है तो वो भी फोर्स लगा के ही स्टॉप करता है, ठीक है? Yes, sir. Yes. थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, ए फोर्स कैन स्टॉप में ये होता होगा, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड और द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स स्पीड चेंज कर सकता है, जाहिर सी बात है अगर फुटबॉल का हम एग्जांपल ले सकते हैं तो, और वो उसके इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड बढ़ा भी सकती है, कम भी हो सकता है, ठीक है? ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन वो भी वो चेंज कर सकता है, ठीक है? और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी को डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ठीक है? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड क्या होता है भाई, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स? सर बैलेंस्ड फोर्स वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, परफेक्ट। अनबैलेंस्ड जिसका मैग्नीट्यूड जीरो ना हो, ठीक है? मतलब ऑल रिजल्टेंट फोर्स बैलेंस्ड में, बैलेंस्ड फोर्स में जितनी भी फोर्स लगते हैं वो सारे जीरो अगर होगा। सपोज जीरो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई डेस्क है यहाँ पे, ठीक है,
कोई इंसान यहाँ से इसको ढकेला और सेम इतना यहाँ से भी ढकेला, ठीक है, दोनों का मास अगर सेम है और दोनों का फोर्स अगर सेम है तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दिस इज द बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, बैलेंस मतलब दोनों तरफ से बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली फोर्स लग रही है, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स इसी का उल्टा होता है, मतलब इसमें रिजल्टेंट जो फोर्स होता है वो जीरो नहीं होता है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। गैलीलियो इंक्लाइंड प्लेन, ये लिखा हुआ जो है इसे पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, तीन पॉइंट है इसमें। यस सर, क्या लिखा हुआ इसने, गैलीलियो ने इंक्लाइंड प्लेन पे एक क्या किया उसके बारे में स्टडी पे, तो उसने क्या क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जो हो रहा है मूविंग डाउन ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट, ठीक है। यस सर, ये कौन है, ऑब्जेक्ट जो हो रहा है अगर स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस उसका स्मूथ है तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, आप लोगों को पता ही है। yes, कोई ऑब्जेक्ट अगर ऑयल लगा देते हैं फ्लोर पे तो ऑब्वियसली स्लिप बहुत तेज करता है, ठीक है। तो फोर्स बहुत कम हमें लगाना पड़ता है, बस वो अपने आप ही स्लिप हो जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन इंक्लाइन रिटार्ड, ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन्स मूव द कांस्टेंट वेलोसिटी एंड हैव नीदर एक्सेलरेट नॉर रिटार्डेड, ठीक है, वही चीज बताई हमने। एक जगह से अगर एक्सेलरेट मतलब थोड़ा सा फोर्स लगा के छोड़ दे तो फिर उसको एक्सेलरेशन की जरूरत ना पड़ेगी अगर ये सरफेस स्मूथ सरफेस होगा तो, ठीक है। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बॉडी बी वर्च्यू बाय दे कैन नॉट चेंज देमसेल्फ इन अ स्टेट, और अच्छा ये फर्स्ट लॉ बता रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ यस सर, तो मोशन ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहना चाहता है, ऑब्जेक्ट जो स्टेट्स में है उसी ऑब्जेक्ट में, अगर वो रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करेगा अंटिल की, सर आप बोल के बताओ भाई ये अबूजर कौन है, ये वही है सर फारूक, हाँ लिख के मत बताओ प्लीज, बोल के आप बताओ कि क्या चीज है, इनका माइक तो ऑफ है सर, बोलेंगे कैसे, बोल के बताओ, इट्स नॉट ए गुड आइडिया कि आप लिख के रहे हो, लिखूंगा तो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, बताओ भाई अबूजर फारूक क्या कह रहे थे आप, हेलो ठीक है, वो कहाँ चले गए शानिया, पता नहीं सर, शायद मुझे लग रहा है सर उनका ये सिलेबस नहीं है सर 9th का, उनके एंट्रेंस में शायद, पता नहीं मुझे नहीं पता, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, चलो छोड़ो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर वो एक मूव कर रहा है तो वो मूव कर रहा है, ठीक है, अंटिल कि उस पर एक फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। न्यूटन बिल्ट गैलीलियो के ही आइडिया से इसने एक न्यूटन ने प्रपोज किया लॉ ऑफ मोशन, ठीक है।
laid the foundation by mechanic internal law of motion and go by his name Galileo law of inertia. ठीक है, Galileo law of inertia के बारे में बताया कि what his starting point which is from first law of motion. Every object continuously in a state of rest. अगर कोई object rest में है तो वो हमेशा ही rest में रहेगा. Or of a uniform motion in a straight line. अगर वो straight line में move कर रहा है, uniform motions पे move कर रहा है, तो वो तब तक move करेगा जब तक कि हम उस पर एक फोर्स अप्लाई ना कर दें. न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस. ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया जो है ये गैलीलियो ने दिया था, मतलब गैलीलियो ने आइडिया दिया था, उसी पे ये बेस्ड है. ठीक है, इनर्शिया पे. इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया इज ए नेचुरल टेंडेंसी इन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और मोशन ऑफ द कॉन्स्टेंट स्पीड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, इनर्शिया क्या होती है? क्या होता है इनर्शिया? इनर्शिया सर एक प्रॉपर्टीज होती है कि मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में उस स्टेट में उसे रोकना चाहते हैं, मतलब उसे कहीं स्टॉप करना चाहते हैं, उसके वेलोसिटी को चेंज नहीं करना चाहती है, चेंज नहीं करना चाहती है, हां एट, और उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं. ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट. मतलब अगर उस बॉडी रेस्ट में है तो वो क्या कह रहा है कि वो रेस्ट में, रेस्ट में ही रखेगा. सर दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, राइट? इट इज इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट. दिस मीन द बॉडी रेस्ट रिमेन एट रेस्ट एंड कैन नॉट स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स ऑन. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, मूव नहीं करेगा. ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लेंगे यहाँ पे क्या दिया है. एग्जाम्पल They have a branch of a tree just never reached. पढ़िए. पढ़ लिया? यस सर. क्या लिखा हुआ? When a branch of tree is taken vigorously, ripe fruits get detached and fall. मतलब प्लांट को अगर तेज से हम हिलाते हैं तो क्या होता है? जितने फ्रूट्स होते हैं ripe fruit में जो पक गए फ्रूट्स वो गिर जाते हैं. अब वैसे दिस इज बिकॉज द ब्रांच कम इन मोशंस. ब्रांच जो होता है वो मोशन में, बट द फ्रूट एट रेस्ट टेंड टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया एंड गेट डिटैच्ड. ठीक है, और जो फ्रूट रहते हैं वो इनर्शिया के वजह से वो रिमेन रेस्ट पे ही रहते हैं, इसी वजह से वो अपने जगह से मूव नहीं करते हैं और वो टूट के गिर जाते हैं. ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. इनर्शिया ऑफ ए मोशंस, अगर मोशंस में हो रहा है तो उसमें इनर्शिया क्या होगा भाई? उसे सर मोशन में ही रखने का प्रयास करेगा, मतलब उसे. हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ऑब्वियस है कि मूव में ही रखने का. द रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी चेंज इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म कॉल्ड इनर्शिया ऑफ ए मोशन. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो वो हमेशा क्या करेगा? मोशन में ही मूव करने का बोलेगा. ठीक है, यस सर. इट इज आवाज कहां से आ रही है? इट इज इनेबिलिटी. एरोप्लेन गया था सर ऊपर से. अच्छा, इट इज इनेबिलिटी ऑफ बॉडी ऑफ चेंज बाय इट्स सेल्फ इट्स द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कैन नीदर बी एक्सेलरेटेड नॉर बी रिटर्न ऑन इट्स ऑन एंड कम एट रेस्ट. मैंने बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कभी ना हो, नहीं उसे रिटार्डेशन की जरूरत है, नहीं उसे एक्सेलरेशन की जरूरत है. ठीक है, वो बॉडी yes, तब तक मूव करेगा जब तक कि हम उस पर एक फोर्स अप्लाई ना करें. ठीक है, yes, यही इनर्शिया ऑफ मोशन होता है कि ऑब्जेक्ट जो मोशन में वो रिमेन इन मोशंस. ठीक है, यस सर, जो मोशन में वो मोशन में ही रहेगा.
एग्जांपल देख लेते हैं, क्या वो कुछ नहीं सर, ये जो रेस्ट है वो रेस्ट में रहेगा। हाँ, an athlete run for before taking a long jump, the motion gained by the athlete help him to take a longer jump. होता है ना कि फुटबॉल जब हम खेलते हैं तो वो भी देखते हैं कुछ दूर से हम दौड़ के आते हैं फिर मारते हैं, या फिर कोई लॉन्ग जंप ले रहा है, लॉन्ग जंप ले रहा है तो वो कुछ दूर से दौड़ के आता है फिर लॉन्ग जंप होता है, ठीक है। लंबी लॉन्ग, हाँ तब हाँ, तो वो क्या कहता है, वो मोशन जो होता है वो गेन होता है एथलीट्स जो होता है उसको लॉन्ग जंप लेने के लिए, ठीक है। यस सर, कोई अगर मूव कर रहा है तो मूव ही करेगा, स्पीड बढ़ जाती है। व्हेन वी स्विच ऑफ ए इट कम्स टू रोटेट इन अ व्हाइल ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन कंटिन्यूअसली टू, मतलब कोई अगर, अच्छा एक और एग्जांपल बता सकते हैं, फैन का एग्जांपल लेते हैं, फैन कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, हम स्विच ऑफ करते हैं तो वो कुछ देर, ऐसा नहीं कि एक बार स्विच ऑफ किए तुरंत खत्म, मूवमेंट नहीं हो रहा उसका, लाइट जाने के बाद कुछ देर देखते हैं कि मूव कर रहा है, ठीक है, वो फैन, ठीक है, एकदम से नहीं रोक सकते। Yes, sir. That's also called inertia of motion. Third example, देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर कोई person jump कर रहा है बस से, अगर बस की speed है, ठीक है, तो jump जब करता है तो देखा होगा कि वो पीछे की तरफ जिस तरफ से force लगता है उसी direction में वो गिर जाता है, sorry, जिस force लगता है उसके अगले direction में गिर जाता है। वो भी एक example है inertia of motion का, right? Object, अगर वो speed उसकी slow है तो ऑब्वियस है वो उस पर ज्यादा फोर्स नहीं अप्लाई होगा, स्पीड अगर तेज है तो वो गिर जाएगा, ठीक है। इनर्शिया ऑफ ए डायरेक्शन क्या दिया हुआ है भाई, पढ़ी सर, जो मोशन की डायरेक्शन होगी वो ही सर है डायरेक्शन होगी। The resistance of our by change the direction of a motion is called inertia of a direction, ठीक है? जो motion अगर force लग रहा है इस side इस तरफ तो motion of the direction भी इसी तरफ होगा और inertia of the direction भी इसी तरफ होगा, ठीक है? Yes sir. Example देखिए यहाँ पे, वही bus वाला example होगा I think. Yes sir, वही है, almost suspended ठीक है। देखा, यस सर, When suddenly taken a turn, the passenger sitting casually experience jerk in the outward directions. आप देखा होगा कि अचानक से अगर टर्न कोई ऑब्जेक्ट हो जाता है तो वो अगले डायरेक्शन में जर्क लेना पड़ता है। अच्छा, नॉर्मली आपको एक चीज देखे होगा, साइकिल आप चलाते हो तो जिस डायरेक्शन में आपको टर्न करना है आप उसके अगले डायरेक्शन में अपने आप को थोड़ा सा बेंड करते हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ फोर्स जो होता है वो एक ही, मतलब दोनों तरफ बैलेंस्ड करने के लिए, अदरवाइज बैलेंस नहीं करेंगे तो वो गिर जाएगा, ठीक है। अभी यस सर करें कभी लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का मैंने बताया था, लीनियर मोमेंटम किसको कहते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, हां मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम को कहते हैं, p इज इक्वल टू m इनटू v, यस सर, ठीक है। ये p होता है क्या, मोमेंटम फार्मूला, ये होता है मास और ये होती है वेलोसिटी, गॉट इट, यस सर, ठीक है। लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होता है बिकॉज इट इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर क्वालिटी इन एंड अ वेक्टर क्वांटिटी वी, अच्छा वी भी दिया हुआ है और इस, ये भी, ये दोनों क्या दिया हुआ है सर, एम और वी क्या है, हाँ तो दैट्स व्हाई दे आर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के भी है
और यानी कि अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो मास भी उसका बढ़ेगा, ठीक है, या मास बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, ठीक है। सेम अप्लाई वेलोसिटी के साथ भी है, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा, या मोमेंटम बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। दे आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, यस मीटर पर सेकेंड, और अनदर सीएजएस यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। यस सर। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू एम इनटू ए, एम इनटू ए होता है, यस सर। मास इनटू एक्सेलरेशन यही स्टेट करता है क्या, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, राइट। ये चीज यहाँ पे, द रेट ऑफ अ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट and the change of momentum take place in the direction of force, जिस direction में force लग रहा है उसी में change of directions रहेंगे, ठीक है। जहाँ force लग रहा है वहां पे क्या होगा, जहाँ velocity है वहां acceleration का होगा, acceleration का formula आपको बताया था v minus u upon p, right? तो force is equal to m into a, ये याद कर लो, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये derivations है, derivation आएगा नहीं आपको पता ही है। Does the second law interpret that the effect of a force on a body is to produce acceleration in the body and body to produce acceleration? मतलब अगर force is directly proportional to mass or force is directly proportional to acceleration, ठीक है? Mass अगर बढ़ेगा तो force भी बढ़ेगा, force बढ़ेगा तो acceleration भी बढ़ेगा, ठीक है? Vice versa इसका opposite भी हो सकता है, ठीक है? तो force may be defined as a sum which produces acceleration in the material body. ये बताया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ इक्वल टू फोर्स इक्वल टू एम इनटू ए इज मोस्ट जनरली एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, आपको पता ही है, ठीक है। यस सर। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है भाई, एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है, जो भी एक्शन होगा उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, एवरी एक्शन हैज देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, ठीक है। यस सर। यहाँ देखते हैं, इफ अ बॉडी एग्जर्ट फोर्स एफ ऑन द अनदर बॉडी बी द एग्जर्ट, यहाँ पे देख लो, अगर कोई नाव है राइट, और ये पानी ये है, और कोई ऑब्जेक्ट ये अर्थ है यानी कि ग्राउंड है, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आता है तो देखेंगे कि पैर, एक पैर रखता है यहाँ पे फोर्स लगता है, तो सेम ये नाव जो होता है वो अपना डिस्प्लेस हो जाता है पीछे की तरफ, ठीक है, इस डायरेक्शन में वो मूव करता है, ठीक है। या फिर हम अगर बुलेट चलाते हैं तो उस पर हम अपने रिकॉयल होता है, मतलब थोड़ा सा हाथ पे फोर्स लगेगा, ठीक है, तो वो भी, हाँ वो भी क्या होता है कि एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है। बाकी आगे पढ़िए, देखिए क्या हुआ है। और इन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास के होता है, ठीक है, ये रिमेम्बर कर लो, ये याद कर लो। इसमें देखो और क्या चीज लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे। ये कौन है भाई? हेलो। यस सर। ये अभी ज्वाइन किसने किया? अपना नाम बता दो प्लीज। हेलो, फोर सी एफ एफ बी बी एफ ई, ये कौन है भाई? हेलो हेलो जी, कौन? यस सर, मेरा नाम दीपक है। आपका नाम क्या है? दीपक। दीपक, फाइन दीपक, कहाँ से आप बोल रहे हैं? सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ।
सो दिस इज योर फर्स्ट क्लास राइट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जामिया या या अब जामिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या क्या किया है आपने दीपक सर अभी तो मतलब जामिया के लिए प्रिपेयर ही कर रहा था इससे पहले तो कुछ ना कुछ किया होगा ना टेंथ किया या ट्वेल्थ किया क्या किया है हाँ हाँ टेंथ कर रखी है टेंथ कर रखी इसी साल हाँ नहीं मुझे थोड़ा टाइम हो गया 3-4 साल हो गए मतलब गैप आ गया है ट्वेल्थ भी हो गया हाँ ट्वेल्थ भी हो गया चलो अभी हम लोग टेंथ का जो सिलेबस था उसे कंप्लीट कर लिए हैं बट आपको पढ़ा दिया जाएगा और नाइन्थ में हम लोग पढ़े हैं नाइन्थ में भी अप्रोक्सीमेटली क्लास नाइन्थ का जो सब्जेक्ट होता है उससे आता है सर वैसे मुझे एक चीज पूछना था जो उसका सिलेबस है वो 9th-10th का है या 11th-12th का भी है ये चीज पूछने के लिए आप लोग ऑफिस से कांटेक्ट कर लीजिएगा बट मोस्टली जो 10th का पूछता है बट थोड़ा सा जामिया में अगर देखा जाए तो 11th से थोड़ा बहुत होते हैं जो क्वेश्चंस थोड़ा सा अपग्रेड लेवल के होते हैं ठीक है बट 9th और आल्सो 20 अगर 9th भी आप पढ़ रहे हो तो भी वो जरूरी है 9th 10th ठीक है 9-10 उसके बाद हम लोग के पास सीट है उसी से हम लोग पढ़ाते हैं और उसमें पूरा कवर ठीक है तो हम लोगों ने 10th कंप्लीट कर लिया अभी आप बहुत लेट आए हो इस वजह से क्लास काफी चल रही है क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर्स पढ़ लिया और ये सेकंड चैप्टर थर्ड फोर्स लॉ एंड मोशन मोशन पढ़ लिया फोर्स लॉ एंड मोशन पढ़ना है ठीक है यहाँ पे हम लोग आ गए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको बाद में पढ़ा देंगे तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है भाई आसिफ कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कंजर्व कर रहे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स ठीक है मोमेंटम का कंजर्वेशन एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू और क्या पढ़ा था जीरो हुआ तो सर ये पढ़ा था एक बार आगे भी कुछ पढ़ा होगा ना आगे सर m1u1 प्लस m2u2 ठीक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यही फॉर्मूला है पूरा ठीक है इसी से हम लोग डिराइव करेंगे क्या कर रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है दो बसेस हैं, ठीक है yes, दो बस बसेस हैं, सेम मास की हैं, ठीक है इसका M1 नाम है और इसका M2 नाम है ठीक है इन दोनों का मास सेम है और ये कोलाइड करती हैं, ठीक है कोलाइड मतलब लड़ जाती हैं, तो ये पीछे की तरफ थोड़ा सा आ जाएंगे ठीक है वहां पे क्या होगा कि कोलाइड करने के बाद जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगेंगे ठीक है कंजर्व हो जाएगी एनर्जी जो होगी उसकी सेम एनर्जी कंजर्व हो जाएगी ठीक है अगर ये मास इसका ज्यादा रहेगा तो और जो जिसका मास कम रहेगा उस पर ज्यादा इफेक्ट करेगा ये एक्सीडेंटल की बात कर रहा हूँ ठीक है यहां से ही हम चीजें आती हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन से तो कंजर्व क्या होगा द सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन लीड टू ए इम्पॉर्टेंट रिजल्ट सेकेंड और थर्ड लॉ एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देता है वो क्या कहता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ठीक है फोर्स सेकेंड लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा फोर्स इज इक्वल टू m into a ठीक है और इसमें क्या पढ़ा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/m ठीक है ये कहां से आया है फोर्स सपोज करो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स 1 इज इक्वल टू फोर्स 2 ठीक है इन दोनों की फोर्स इक्वल होते हैं इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बताया था मैंने आपको ठीक है सेकेंड और थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ही निकल के आया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ठीक है मोमेंटम का कंजर्व हो जाना ठीक है Yes, sir. Let us by taking example लेते हैं. When a bullet is fired from a gun, ठीक है? According to Newton third law, if the force on the bullet by the given is F, ठीक है? Force जो bullet पे लग रहा है वो F रह रहा है, ठीक है? Then the force of the gun of the bullet is minus F. अगर कोई हाथ में गन पकड़ा है तो उसपे क्या है माइनस F का फोर्स लग रहा है उसे भी फोर्स पीछे की तरफ कर रहा है ना ढकेल है थोड़ा सा The two force act a common interval of times. मतलब एक ही इंटरवल ऑफ टाइम्स पे क्या क्या कर रहा है कि दोनों फोर्स जनरेट हो रहा है ठीक है
अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स कैन बी रिटन एज ए पी इन टू टी या फोर्स इज इक्वल टू एम इन टू ए. पी इन टू टी भी लिख सकते हैं मोमेंटम इन टू टाइम. ठीक है, पी का फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम का? एम ए और एम बी. एम बी. ठीक है. यस सर. अब यहाँ पे आते हैं क्या लिखा हुआ है भाई. दिस मीन्स एफ इंटू टी चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बुलेट एंड एफ इंटू टी इज द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द गन. फोर्स जो मोमेंट जो फोर्स लग रहा है बुलेट पे, अगर ये देखा जाए कि अगर जो को पकड़ा हुआ है बुलेट को उस पर भी कुछ फोर्स लगेगा. ठीक है, तो दोनों तरफ एनर्जी क्या हो रही है? कंजर्व हो रही है. ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर. एक और अच्छा सा एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको कोलाइड होने का, जो बस का ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है. ठीक है, दो बस अगर कोलाइड कर रहे हैं और सेम मासेस के हैं, ठीक है, तो इनमें जो फोर्स होगा वो एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू का होगा और एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू का होगा. ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. एम वन वी वन क्या है? वी वन क्या होता है? इनिशियल के फाइनल. ये होता है सर, फाइनल होता है. यस सर. और इनिशियल्स ये होता है. ठीक है, यानी कि जो बस है वो फाइनल टकराने के बाद सेम इतने फोर्स जनरेट करेगी. ठीक है, ये दो चीज दोनों बस है. ठीक है, मिलके और सेम बस से, मतलब टकराने से पहले भी इतना ही फोर्स करेंगे जब वो रेस्ट में होंगी, मतलब जब स्टार्ट होंगी चलना. ठीक है, दोनों की जो कंजर्व एनर्जी होगी वो कंजर्व हो जाएगी एक जगह पे. गॉट इट? यही दिया हुआ है इसमें. यस सर. यहां से यहां तक पढ़िए तो एडिंग इक्वेशन वन से यहां से. पढ़ लिया? यस सर. क्या लिखा हुआ है इसमें? जैसा लिखा है जो आपको जानना जरूरी है. सर इसी फार्मूला बेस पे लिखा हुआ है जो हमने ऊपर लिखा है. हाँ, फार्मूला बेस पे लिखा हुआ है कि अगर कोई यहाँ पे ये यहाँ से पढ़ते हैं फोर्स लॉ ऑफ कंजर्व अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हेन दैट when the next external force of a system or object is zero, agar wo zero hai then the total momentum of system remain constant. Yeah, agar constant. Momentum zero hai to wo constant ho jayega. theek hai. Yeah. Always remember that. Questions pooch sakte hain. Question solve kar lete hain. First wala question dekho kya likha hai. What would be the inertial velocity of object is from rest? Rest pe agar koi object hai to obvious hai ki uska kya hoga? Initial velocity zero hogi. theek hai. Yes. Second, what would be the acceleration of a body if it's move with uniform velocity? अगर velocity uniform velocity से move कर रहा है, क्या चीज? Acceleration zero होगा इसके. Acceleration उसका zero क्योंकि लिए वहाँ पे acceleration नहीं लगता है. Uniform yes. motions का मतलब क्या हो रहा है कि वो एकदम same speed से ही पहुँच रहा है. ठीक है, equal distance in equal interval of time. तो उसमें acceleration का कोई role नहीं है. ठीक है, that's why zero. ठीक है. थर्ड क्या दिया हुआ है? व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी इफ इट कम्स टू द रेस्ट? रेस्ट पे आ रहा है तो भी क्या होगा? तो भी जीरो ही होगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट आके रुक गया तो ऑब्वियस है कि फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो होगी. ठीक है. फोर्थ, व्हाट काइंड ऑफ मोशन इट इज इफ एन एथलीट मूव ऑन ए सर्कुलर ट्रैक? सर्कुलर ट्रैक्स में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी मोशन क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन तो बता ही दिया गया.
फोर्थ में देखिए क्या लिखा है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन कांस्टेंट वेलोसिटी इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ और कांस्टेंट वेलोसिटी का लिखा हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये रहा, ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, यस सर, हां वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो ऑब्वियस है कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, और यूनिफॉर्म मोशन में मैंने बताया था कि आपको ग्राफ जो बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, यानी कि लीनियर ग्राफ बनता है, ठीक है, यस सर, दैट्स व्हाई स्ट्रेट लाइन इज द करेक्ट ए, ठीक है। फिफ्थ वाला देखो क्या लिखा हुआ, ए साइक्लिस्ट कवर्स 6 किलोमीटर 15 मिनट्स में, ठीक है, फाइंड द स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, यस सर, इसको हम चेंज कर लेंगे किलोमीटर में मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, ठीक है, ऑप्शन पर सब किलोमीटर में रहता है, नहीं रहने देंगे, हां ऑप्शन इसके दूसरे में सब किलोमीटर पर आवर, अगर किलोमीटर पर आवर में दिया, अगर किलोमीटर पर आवर में ठीक तो रहने देंगे उसको, यहीं पे मिनट को चेंज कर लेंगे आवर्स में, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो भाई क्या लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ ए कार, स्पीड कार 25 मीटर पर सेकंड, हाउ लॉन्ग इट विल कवर द डिस्टेंस 90 किलोमीटर, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये स्पीड दिया है, ऑब्वियस है कि टाइम आपको निकालना है, टाइम का फॉर्मूला आप लगा दीजिए यहाँ पे आ जाएगा, इस किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिया है मीटर में चेंज कर लीजिए, यहाँ मीटर पर सेकंड में दिया है, ठीक है, या फिर अगर किलोमीटर दिया है तो किलोमीटर के साथ आवर लगता है, ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे 25 को, वो ऑन द स्पॉट देखेंगे कि हमें डायरेक्ट हमें किस में आंसर लाना है, ठीक है, उसी के हिसाब से उसको चेंज करेंगे, ठीक है। सेवेंथ में क्या लिखा हुआ है भाई, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ ए 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द बॉल, मास इतना दिया हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पता है आपको, लगा देंगे फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, 6 × 6 = 36 न्यूटन, ठीक है। एट्थ में देखिए क्या लिखा हुआ है, मोमेंटम निकालना है, P is equal to m into v, आपको बताइए फॉर्मूला, ठीक है, इसकी यूनिट को हमेशा हम देख के करेंगे कि इसमें यूनिट कौन सी आ रही है, फिर उसी के अकॉर्डिंग मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर में चेंज कर लेंगे, या किलोमीटर है अगर आंसर मीटर पर सेकंड में आ रहा तो उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है, यस सर। नाइन्थ में क्या है, व्हाट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय फोर्स, इतना न्यूटन लग रहा है और मास इतना, फोर्स का आपको पता ही है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, तो फोर यहां से निकाल लेंगे फॉर्मूला, फोर्स की जगह दिया हुआ है 15 न्यूटन, मास आपको दिया हुआ है 5 और इनटू a इज इक्वल टू 15/5 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, आ रहा है, यस सर। सर मेरा एक डाउट है, चैप्टर से क्लास 9 से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्या? सर ये स्क्वायर क्यों लगाते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर का क्या रोल होता है इसमें, यूनिट की बात कर रहे हैं सर, स्क्वायर का यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, मीटर पर सेकंड तो ठीक है समझ आ रहा है, बट स्क्वायर का मतलब क्यों लगाते हैं, टाइम जो होता है वो दो दो यूनिट दी गई है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्म एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, दैट्स व्हाई, अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी आ जाते हैं, ठीक है, ये यूनिट है, डेरिवेशन आएगा नहीं इस वजह से आप लोग को वो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। टेंथ में देखिए क्या हुआ, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉल मास, वही सेम चीज है, फोर्स इज इक्वल टू एम इनटू ए लगा हुआ है, फॉर्मूला आप लोगों को लर्न करना है, ठीक है, तीन फॉर्मूला हम लोगों ने इस चैप्टर से पढ़े हैं, वो कौन कौन से फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पी इज इक्वल टू एम इनटू वी, ठीक है, ये दो चीज आ गया, और फोर्स वन इज इक्वल टू फोर्स टू, यानी कि ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लिखा सर इसमें एक डायरेक्शन अपोजिट होती है सर, तो फार्मूला में नेगेटिव सो नहीं साइन कर पाएंगे, नेगेटिव भी कर सकते हैं, ठीक है, F2 लिख दिया ना, अगर यहाँ F1 ही नेगेटिव लिखते तो वो भी सही था,
ठीक है, दो डायरेक्शंस दो फोर्स में हमले करती हैं। तो ये सारे तीन चार फॉर्मूला है जो आप लोगों को लर्न करना है, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखो भाई क्या है, एन ऑब्जेक्ट अंडरगो एक्सेलरेशन ऑफ ए, ठीक है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, कौन से तीन इक्वेशन पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ चुका है, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन फॉर्मूला है आपको जो इक्वेशन ऑफ मोशन इसको कहते हैं, ठीक है, ये पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, पढ़े? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। 12 पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मोमेंटम निकालना है, मास इनटू वेलोसिटी दी गई है, जाहिर सी बात है मोमेंटम निकाल लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, p इज इक्वल टू m इनटू v लगा देंगे फॉर्मूला। हाँ, सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, इनसे बहुत ज्यादा टफ टफ नहीं होंगे। इफ ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो एक्सेलरेशन वहां लगेगा नहीं, इस वजह से एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, नो लॉजिक। ये चैप्टर्स हम लोगों ने कम्प्लीट ही कर लिया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। यस सर। इट इज वर्क एंड एनर्जी sound ठीक है। वर्क एनर्जी पढ़े? यस सर। ठीक है, या फिर आज के लिए एक ही चैप्टर रहने देते हैं, फिर मैं बात कर लूंगा कि कौन कौन ऑथेंटिकेशन है ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं है अभी, ठीक है। यस सर। एक बार आप लोग सिलेबस भी बात कर लेते हैं। ओके सर। तो अगले क्लासेस दीपक, अगली क्लासेस लगेगी हमारी वेंसडे थर्सडे को, ठीक है, एक दिन गैप करके, ठीक है सर। तो आप उस दिन रहिएगा, फिर से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी आप 20 से ज्वाइन कर रहे हो और 10 बजे आना प्लीज, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो फिर। हाँ ठीक है, बाय।